हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जीवन में इतनी रफ्तार से चल रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम कुछ ऐसी चीज़ें खोते जा रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और जब हमारा टाइम हम वक्त में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम क्या खो चुके हैं, और फिर हम उन चीज़ों को दोबारा नहीं पा सकते। यही चीज़ मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक बार एक आदमी ऑफिस में काम करता था, और वो देर रात घर पे थका हारा घर पे पहुंचता था। तो एक दिन जैसे ही वो घर पे पहुंचा, उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका छोटा सा बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। तो अंदर घुसते ही उसने अपने पापा से पूछा कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि ठीक है, आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो बेटा ने कहा कि पापा, आप मुझे ये बताइए कि आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा कि भाई, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो पिता ने उसे डांट दिया बच्चे को कि ऐसे कुछ भी पूछते रहते हो। तो बेटा बोला कि मैं तो यूं ही जानना चाहता हूँ। तो पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं एक घंटे के 100 रुपये कमाता हूँ, अब बताओ क्या करना है। तो उसके बेटे ने बड़ी मासूमियत से, मतलब बच्चे क्यूट होते हैं काफ़ी, तो उसने सर झुकाते हुए कहा कि पिताजी, क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं। तो इतना ही सुनते ही वो व्यक्ति आग बगुला हो गया। तो उसने कहा कि फालतू के सवाल पूछते रहते हो, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तुम फिर से जाके वो बेकार के खिलौने खरीदोगे, इधर उधर की चीज़ें खरीदोगे और पैसे वेस्ट कर दोगे। तो मतलब उसने ऐसे ही बच्चे को डांट दिया कि मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत से कमा रहा हूँ, और तुम ऐसे बेकार चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो इन्हें। तो यह सुनकर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। तो व्यक्ति मतलब काफ़ी गुस्से में था। तो धीरे धीरे टाइम बीता तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ। तो उसने सोचा कि शायद उसके बेटे को सच में ज़रूरत हो उन पैसों की, वो इसलिए पैसे मांग रहा हूँ, तो उसे पैसे दे देने चाहिए थे, उसने ऐसा सोचा। तो फिर अपने बेटे के कमरे में गया, उसने पूछा कि भाई, तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि पापा, मैं अभी जाग रहा हूँ। तो उसके जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि शायद मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया, मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, पर लेकिन मैं दिन भर काम करके थका हुआ था, तो इस वजह से मुझे जल्दी गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने डांट दिया। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकाले और अपने बेटे को दे दिए, उनको ये रही तुम्हारे 50 रुपये, रख लो। तो उसने कहा थैंक यू पिताजी। तो बेटा बड़ी खुशी के साथ पैसे लेते अपनी अलमारी में गया, उसने वहाँ से अपनी गुल्लक निकाली और उसमें से सिक्के निकालने लगा, तो धीरे धीरे गिनने लगा। तो उस आदमी को फिर से गुस्सा आ गया, उसने बोला जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने मुझसे क्यों पैसे मांगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे तो मुझसे क्यों मांग रहे हो। तो उसने कहा कि पापा, मेरे पास पैसे थे पर लेकिन पूरे नहीं थे, अब मेरे पास पूरे पैसे हो चुके हैं इन 50 रुपये को मिला के, अब मेरे पास पूरे 100 रुपये हैं। तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ वे 100 रुपये अपने पिताजी को दिए, उनसे बोला कि आप 100 रुपये एक घंटे में कमाते हैं, तो ये रहे 100 रुपये, मैं आपका एक घंटा खरीदना चाहता हूँ, तो ये पैसे लीजिए और रख लीजिए, और कल आपको घर पे एक घंटा पहले आना है। तो दोस्तों, क्या आप समझे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कि हम जीवन में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इतने बिजी हैं, और हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं है कि समय कैसे निकलता जा रहा है, और जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं रख पा रहे, और उन्हें हम खोते जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसे आएगा कि जब वो चीज़ें दूसरे रास्ते पे होगी और हम दूसरे रास्ते पे, और हम उन तक नहीं पहुंच पाने के, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके होंगे। तो इस जीवन की भागदौड़ में अपने माँ बाप, बच्चों, या फिर अपने दोस्तों, या फिर जीवन साथी के लिए मतलब थोड़ा टाइम निकालिए, और उनकी एक वैल्यू समझिए, और उन्हें अपनी लाइफ में थोड़ी इम्पोर्टेंस दीजिए, कि वो भी आपके जीवन में इतना ही महत्व रखते हैं जितना कि आपका काम। तो कभी काम से छुट्टी लीजिए, फैमिली के साथ बाहर जाइए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, या फिर कहीं घूमने जाइए,
तो मतलब आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी जीवन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जब समय बीत जाएगा आपको तब इस चीज़ की वैल्यू पता लगेगी, अभी आपको इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता लगने की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको